आपको पता होगा कि आज के दिन पूरे वर्ल्ड में जो वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक या प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, उनको डिस्कस करने का एक मौका होता है, और साथ ही में जो वुमेन्स की अचीवमेंट्स हैं उनको भी गिनाने का मौका होता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पब्लिक की एक तरह जो हमारे पास काफ़ी सारी शिकायत्स आती हैं, पर्टिकुलरली वुमेन फोक की तरफ से, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, लेडीज़ हैं, कि पब्लिक प्लेसेस पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं छेड़खानी या ईव टीजिंग की बात सामने आती है। तो आज श्रीनगर पुलिस ने आज इस पर्टिकुलर दिन में ये स्टिकर्स ड्राइव जो है शुरू किया है, जो हम सभी पब्लिक प्लेसेस पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में पेस्ट करेंगे, और जिसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वुमेंस की डिग्निटी और ऑनर और उनकी ईज़ ऑफ लिविंग जो है उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना किया जाए, और उसमें अगर कोई खलल पहुंचाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। हमने अपनी हेल्पलाइन नंबर्स भी इस पे लिखे हुए हैं, ताकि कहीं भी अगर इस तरह की शिकायत हो वो इन हेल्पलाइन से रابطہ करें, ताकि पुलिस मुतहरिक होकर इमीडिएट एक्शन ले, और हम श्रीनगर जो है एक वुमेंस की जो ईज़ ऑफ लिविंग है उसके लिए एक बेहतर सिटी बना सकें। ऑब्वियसली पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी बढ़ गया है, और पर्टिकुलरली कुछ हद तक शायद बोलते हैं कि जो कारोबार में कमी और कोविड में रिस्ट्रिक्शंस और बाकी चीज़ों की वजह से भी कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है इस लॉकडाउन का, उस वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए भी हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने दो दिन पहले भी एक न्यूज़ हमारी कैरी की थी, कि हम लोगों ने 24/7 वुमेन हेल्प डेस्क और वुमेन काउंसलिंग सेंटर जो है पुलिस स्टेशन, वुमेन पुलिस स्टेशन रामबाग में शुरू किया है, तो उसका भी लोग उसको भी अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई भी ऐसा इशू हो। हमारे पास यहाँ पे 26 पुलिस स्टेशन हैं, जिनमें एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन है, लेकिन बाकी पुलिस स्टेशन में भी हमारे पास बेसिक जो लेडीज़ अमला है, स्टाफ है, वो अवेलेबल है। क्योंकि लेडीज़ स्टाफ की थोड़ी कमी ज़रूर है, उस वजह से हम फुल फ्लैज सेटअप नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे भी अब आगे हमारे पास वुमेन स्टाफ आएगा, ऑफिसर्स आएंगे, सर्टेनली ज़रूरत है कि डिफरेंट जोन्स में इस तरह के पुलिस स्टेशन।